बड़ी बारीकियां हैं, सिर्फ कुरान की एक आयत को ले ले आप पूरी कायनात को हिदायत दे सकते हैं, लेकिन इंसान की अक्ल को झिझोड़ा जाए। मजलिस रस्म नहीं है, मजलिस अक्ल की ग्रह को खोलने का नाम है। रस्म होगी तो फिर इबादत नहीं होगी, लेकिन अगर इबादत है तो इबादत का मतलब यह है कि इंसान की अक्ल को झिझोड़ो, क्योंकि इंसान की पहचान ही इंसान की अक्ल है, इंसान की पहचान ही इंसान का शऊर है। अब इसको कहते हैं कि जब आपने कह दिया ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये आपका बना नजरिया कि अल्लाह वली है, ये नजरिया बना। मुहम्मद वली है, ये नजरिया बना। अमीरुल मोमिनीन वली है, ये नजरिया बना। लेकिन एक है प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। सिर्फ नजरिए से काम नहीं चलता। आपने माना ये आपका अकीदा नजरिया बना, इसको कहते हैं विलायत नजरी। आपने नजरिए से माना कि मेरा मौला, मेरा आका, मेरा मालिक जिसकी इताअत वाजिब है वो अल्लाह है, रसूल है, रसूल के बाद अमीरुल मोमिनीन का वजूद है। लेकिन इमाम फरमाते हैं जब तक तू विलायत अमली के मैदान में नहीं आता तब तक तुझे फायदा नहीं मिलेगा। आप इमाम बारगाह में एक एसी पड़ा था, बड़ा इमाम बारगाह को ठंडा कर रहा था। आपने कहा एसी तो बड़ा जानदार है, तो मेरे घर का हॉल भी बहुत बड़ा है, तो लिहाजा मैं भी वहाँ पे एसी लगाऊंगा ताकि मेरे घर का हॉल ठंडा हो जाए। आपने पूछा कौन सा एसी था, फलां सा एसी था, आपने वो एसी दुकान से खरीदा और घर के हॉल में जाकर रख दिया। एक घंटा गुजर गया ठंडा ही नहीं हो रहा। आपने इमाम बारगाह के ट्रस्टी को बुलाया, भाई मैंने भी वही एसी खरीदा है लेकिन मेरा हॉल ठंडा नहीं हो रहा। वो घर में आया और कहने लगा किबला आपने एसी रखा हुआ है, इसको ऑन तो करिए। सिर्फ नजरिए से कमरे ठंडे नहीं होते, सिर्फ नजरिए रखने से इंसान साहिब करामत नहीं बनता। जब तक ये नजरिया है कि एसी ठंडा करता है, लेकिन कब करेगा जब प्रैक्टिकली उसको ऑन करोगे। ये नजरिया है कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। अबू सुफियान ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हुसैन के मुकाबले में आने वालों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, लेकिन सवाल यह है क्या कामयाब हुए कि जिंदगी में नहीं हुए। उन्होंने नजरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना था, प्रैक्टिकली विलायत मोहम्मद रसूलुल्लाह में नहीं आए थे। इसी तरह अगर तुम्हारा नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, और आज जोर लफ्जों और नजरिए पर आए कि कौन अलीयुन वलीउल्लाह को मानता है और कौन अलीयुन वलीउल्लाह को नहीं मानता, यह तो नजरिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम विलायत अमली के मैदान में भी दाखिल हुए कि नहीं हुए। सलमान जो ईमान के 10 से 10वें दर्जे पर है, ये दर्जात थे विलायत के। जब तक तुम विलायत अमली के मैदान में नहीं आते, मौला का चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने फरमाया कि मेरी विलायत को मानता है, कहां मौला। इमाम ने कहा तेरे अंदर मुझे विलायत नजर नहीं आ रही। मौला मैं मानता हूं अली वली आपको रसूल के बाद अल्लाह का वली मानता हूं। इमाम फरमाया जब तू ऐलान करता है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब पूरी दुनिया को कहता है अब मेरे ऊपर अल्लाह की हुकूमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब मेरे ऊपर मोहम्मद की हुकूमत है। जब कहता है अली वलीउल्लाह, गोया तू ऐलान करता है और दुनिया को यह कहता है कि आज के बाद अगर मेरे ऊपर किसी की हुकूमत है तो अली की हुकूमत है, लेकिन मुझे तेरे वजूद पर अली की हुकूमत नजर नहीं आती। का मौला किस तरह विलायत अमली के अंदर दाखिल हो जाए। नजरिया अपनी जगह, नजरिए इंसानों को आबाद नहीं करते जब तक उन नजरियों पर अमल न किया जाए। बेहतरीन कानून है पाकिस्तान का, लेकिन ऐसे कानून का फायदा क्या जिस पे अमल न हो। कानून होगा चोर को सजा मिलेगी, राशि को सजा मिलेगी, लेकिन सजा मिले ही ना तो फायदा क्या। जब तक सजा पे अमल दरामद ना हो तब तक कौमें आबाद नहीं होती। इसी तरह जब तक नजरिए पे अमल ना हो, और जब इंसान अमल करता है तो बताऊंगा कि अहले बैत उस इंसान को क्या क्या अता करते हैं। तो फरमाया जब तक तू विलायत अमली के मैदान में दाखिल ना हो जाए। हमारे मेंबर पे सिर्फ विलायत नजरी का शोर होता है, लेकिन लोगों को विलायत अमली बताई नहीं जाती। नजरिए से कुछ नहीं होता, उस नजरिए पे जब तक कौमें अमल ना करें। हर किसी को पता है कि मुसलमान कामयाब है, हर किसी को पता है कि फला रसूल खुदा के नारे में और रसूल खुदा की जिंदगी गुजारने पर है, लेकिन जब तक इस पे अमल नहीं होगा। रियासत मदीना का नजरिया रखना और है, लेकिन रियासत मदीना बनाना और है, फर्क है। नारे मारने में और उस नारे पर अमल करने में जमीन और आसमान का फर्क है। हुसैन को खत लिखना और है,
लेकिन जिसको हुसैन ख़त लिखे, ये विलायत अमली का मैदान है। 20,000 ख़त हुसैन को लिखे गए और एक ख़त हुसैन इब्ने अली ने लिखा था, हाँ, उस पर कितने लोगों ने अमल किया। तो असल जो चीज़ है ये है कि तुम्हारे वजूद में विलायत अमली कितनी है, प्रैक्टिकली विलायत तुम्हारे वजूद में कितनी है। मौला ये विलायत कब आएगी? फरमाया का इंसान कुरान की आयत पढ़, ला यमसु इल्लल मुतहरून, ये है जाहिर कुरान। इस कुरान को बगैर तहारत के तू मस भी नहीं कर सकता। जब तू जाहिर कुरान को बगैर तहारत के मस नहीं कर सकता तो बातिन कुरान को कैसे मस कर सकता है? हर चीज की कंडीशन और शरायत होती है। दुखूल विलायत में आने के लिए पहली शर्त है तहारत। जब तक तू पाक नहीं होता विलायत अमली के अंदर नहीं आ सकता। अल्लाह ने शर्त रखी, कुंजियां रखी हैं। पूरी जिंदगी तू इबादत करता रहे, मजलिसों में आता रहे, मातमदारियां करता रहे, अल्लाह और नबी का नाम लेता रहे, लेकिन खुदा ने शर्त रखी, इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, में अगर नमाज कबूल करता हूं तो मुत्तकीन से। इसका मतलब कुछ ऐसे नमाजी हैं जो मुत्तकी नहीं है, कुछ ऐसे रोजेदार हैं जो मुत्तकी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजूद में तकवा नहीं है, तो खुदा ने शर्त रखी। इसी तरह शर्त दुखूल विलायत है कि जब तक तुम्हारे वजूद में तहारत नहीं आ जाती तब तक तू विलायत के डोर से अंदर दाखिल नहीं हो सकता।